गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ हाउ कैन वी गेट लॉन्ग लास्टिंग स्ट्रेट हेयर। तो कोई कोई कहते हैं कि उनके बाल जो है स्ट्रेट में दो एक से लेकर दो दिन तक रहता है एंड उसके बाद उनकी जो स्ट्रेट है वो खराब हो जाता है। लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस से कहती हूँ कि मैं जिस तरीके से स्ट्रेटनिंग करती हूँ वो 4 से लेकर 5 दिन तक आराम से चला जाता है जब तक मैं हेयर वॉश नहीं करती। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस मैं अपना हेयर को वॉश करके अच्छे से कॉम कर ली थी थोड़ी सी हेयर सीरम लगाकर एंड देन मैं यहाँ पे एक ऐसी कॉम चूज की जिसकी जो स्पेस है ये बहुत ही पास पास है तो ये हमारे हेयर को अच्छे से होल्ड कर पाएगी स्ट्रेटनिंग करते वक्त। देन मैं सबसे पहले अप्लाई करती हूँ एलोवेरा जेल। ये पता चले कि एलोवेरा जेल है तो मैं इसको सबसे पहले अप्लाई करती हूँ। ये सिर्फ हमारे हेयर को एज ए हीट प्रोटेक्टिव क्रीम ये हमारे हेयर को जेल के हीट से तो प्रोटेक्ट करेगी ही जैसे ये एक शाइनी एंड सॉफ्ट इफेक्ट भी लगेगी। इसको अच्छी तरह से मैं भी अप्लाई कर लेती हूँ। इसको मैंने अच्छे से हीट होने दिया ये अच्छे से हीट हो गया है। देख सकते हो एक ही स्वाइप में ये कितने अच्छे से स्ट्रेट हो गया। धीरे धीरे लाना है उतनी जल्दी जल्दी से भी नहीं लाना ताकि हीट अच्छे से हीट लग जाए और एक दो स्वाइप में ही अच्छे से स्ट्रेट हो जाए। आपको बार बार भी नहीं करना पड़ेगा।
ये मेरी पहला स्टेप हो गया। स्ट्रेटनिंग करने से हमारे हेयर कलर खुल ही जाते हैं, तो फिर क्या हम ऐसे नहीं करेंगे? जरूर करेंगे, क्योंकि मैं आगे इतनी ही अच्छे अच्छे टिप्स लगाती रहूँगी आपके लिए, आपके सारे हेयर के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। बस आप लोग मेरे को प्यार और सपोर्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी है आज की ये वीडियो? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, हर वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचे आप तक सबसे पहले।